बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस। जैसे कि आप जानते हैं तो कितनी ज़्यादा गर्मी चल रही है। अभी दोपहर का टाइम है तो लाइट भी चली जाती है और गर्मी में पसीना पसीना सारा हो चुका होता है। और ये हम बना रहे हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और ये चीनी डालेंगे। और ये शरबत बनाएंगे, नींबू का शरबत। और बहुत ही गर्मी चल रही है और दिल करता है कि ठंडा पानी पिएं, ठंडी ठंडी चीज़ें वगैरह खाएं। खाना पीना तो पसंद ही नहीं आता और खाने का दिल नहीं करता, सिर्फ कहते हैं पानी ठंडा ठंडा पीते रहें। और आज हम ये इसीलिए बना रहे हैं नींबू का जूस। ये चीनी सारी गल जाएगी इसमें, फिर हम डालेंगे नींबू और फिर बर्फ़ डालेंगे। और थोड़ा सा नमक डालते हैं इसमें तो अच्छा लगता है। तो ये काम कर रहे हैं हम, अभी ये पिघल चुकी है तो अभी हम ये डालेंगे नींबू। वैसे तो कच्चे भी थोड़े से लग रहे हैं मगर मशीन से थोड़ा बहुत निकलता है। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है ये। इससे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से निकलता है मगर हमें नींबू ज़्यादा डालने होंगे ताकि इसमें थोड़ी सी खटास आए। ये इससे थोड़ा देखो कितना जूस निकल रहा है, हाथ से कहाँ निकलता है। थोड़ी छुरी सा, ये छुरी से निकालो इसको। ये देखो इसमें गिर गया और इससे थोड़ा सा निकालेंगे। शरबत तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से अभी ठंडा भी होगा। अभी थोड़ी सी ये बर्फ भी डालेंगे। अभी इसमें डालते हैं और ये हमारा अच्छा प्यारा खासा सा शरबत बन चुका है। और ये हम पानी इतना गर्म आता है कि क्या बताएं आपको, बहुत ही गर्म है बहुत सारा। और पर आ गए हम और मैंने सोचा कि चलो आज कपड़े धोते हैं मगर शाम को लाइट चली जाती है तो माहौल लगा पड़ा है। ये भी सेटिंग करनी है और बहुत ही
और ये मैं पहले बुरखा पहनती थी थोड़ा का मुझे ना पहनती थी, तो अब होती ज़्यादा गर्मी है, बस अभी थोड़ा सा ऊपर आए हैं तो हवा लग रही है, मगर इतनी ज़्यादा हवा नहीं लग रही, तो बहुत ही गंदगी हो गई है। ऊपर का सारा बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो वो भी नहीं किया है। ये कमरे की कंडीशन देखिए आप, ऐसी हो रही है। कल से इसको भी साफ करेंगे, और बहुत ही गर्मी में ये भी साफ नहीं हो रहा। गंदगी सारी हो गई है, झाड़ू पाड़ू भी लगाएंगे। और ये जो है लकड़ियाँ पड़ी हुई है इधर, ये भी काम की है, तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी, तो आपसे शेयर करूँगी। आजकल कुछ नई चीज़ आप पाल रही क्या? नहीं, सामान रख दिया है इधर। अभी हम नमाज पढ़ेंगे और अजानें आ रही हैं, तो अभी नमाज की तैयारी करते हैं।